दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने आम बजट 2020 में देखा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इसका प्रस्ताव किया गया, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं कि ये क्या है, क्या अभी अपकमिंग जो एग्जाम्स आने वाले हैं उस पर इसका असर करने वाला है। तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो बजट 2020 आया है इसमें जो सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का जो ऐलान किया है, तो ये जो है 2020 के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप यहां पर देख सकते हैं कि जो IBPS है इसने 2020 और 21 का अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। इसने जब जब एग्जाम्स लेने हैं, क्या क्या पेज है, वो सारी चीजें विधिवत तरीके से वेबसाइट पर आ चुकी हैं। ओके, लेकिन ये जो प्रस्ताव आया है बेसिकली ये क्या है कि जो इस बजट में इस एजेंसी को बनाने के लिए, मतलब जो नॉन गेस्टेड सरकारी पद हैं इनकी भर्ती के लिए जो है ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, इसकी स्थापना का ऐलान जो है ये इस बजट में किया गया है। ठीक है, तो ये तो 100% श्योर है कि ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये श्योर मिलेगा, लेकिन कब ये मिलेगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी इसका मसौदा तैयार होगा। अभी केवल इसके प्रस्ताव के ऊपर जो है इसका प्रस्ताव दिया गया है, बेसिकली जो ये आम बजट आया है इसके प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है, एक दो साल पहले भी इस तरीके की न्यूज़ हमने न्यूज़ में देखी थी, लेकिन जैसे जैसे साल दर साल आगे निकलता जा रहा है तो अभी इसमें बहुत समय है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं यार कि अब क्या होगा, एक एग्ज़ाम फॉर ऑल द, मतलब कहा जाए कि एक ही एग्जाम होगा जितनी सारी पोस्ट हैं सबके लिए, तो इसमें एक में फेल हो गए फिर आगे मौके नहीं मिलेंगे, तो ऐसी कोई भी जो संभावना आपके दिमाग में आ रही है अभी आप इसको साइड में रख दो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब आपका ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जब ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो ये अपनी पूरी जो इसके क्लॉजेस हैं, इसके रूल्स हैं, वो सारे के सारे आपके हिसाब से आने वाले दिनों में सरकार जो सुझाव लेगी और उसके बाद इनको बनाएगी। तो पहले जो लोगों के मन में ख्याल आ रहा है कि इसकी एज क्या होगी या फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा या कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिलेंगे या साल में कितने बार एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अभी तो ये एक प्रस्ताव है, अब ये प्रस्ताव आने वाले दिनों में पास होगा, उसके बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाएगा, फिर ये कहीं ना कहीं पर रूल बनाकर लागू किया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको आने में लंबी कहानी है, आने में काफ़ी टाइम है। 2020 में जो आपके एग्जाम्स हैं वो आपके एज इट इज़ जो आपका स्केड्यूल है उसके हिसाब से होंगे, लाइक SBI क्लर्क आपका चल रहा है, आपका RBI असिस्टेंट चल रहा है, आने वाले दिनों में आपको SBI PO देखने को मिलेगा और आपके IBPS के विधिवत एग्जाम्स इस 2020 में होंगे, तो बेटर होगा कि आप 2020 में अपना सिलेक्शन लें और साइड से धीरे से निकल लें। ठीक है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन तो हमें देखने में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप इससे बच नहीं सकते। जब सरकार इनके बारे में सोच रही है तो कहीं ना कहीं पर इन चीज़ों को लेकर आएगी, और कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होंगे और कुछ इसके एडवांटेज भी होंगे। लाइक आपने पहले सुना होगा कि एक बार आप एग्ज़ाम दे लोगे, फिर उसके बाद अगर एक पेपर ख़राब हो गया तो यार फिर आगे पूरा साल ख़राब हो जाएगा, ऐसे तो लोग ओवर एज भी हो जाएंगे, या फिर केवल प्री कंडक्ट इस एजेंसी के थ्रू होगा और जो आपका मेंस होगा वो आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो कराएगा। तो ये सारे क्लॉजेज हैं जो आप सुन रहे हो, ये रिटर्न फॉर्मेट में जब NRA पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरी तरीके से नियम कानून बन जाएंगे, तो आपको इसका जो मसौदा है वो तैयार होने के बाद सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जो है पेशेंस रखो, वेट करो, इंतज़ार करो, कहीं ना कहीं पर ये जब चीज़ें आएंगी तो ये एक सर्वे कराकर ही आएंगी, लोगों के इसमें व्यूज़ लिए जाएंगे, कई सारे सुधार इसमें होंगे, तब जाकर कहीं इसको एक जो है तरीके से इसको लागू किया जाएगा। तो पहले तो ये एक तरीके का एक पायलट प्रोजेक्ट काइंड ऑफ होगा जिसको एक टेस्टिंग पर्पज से देखा जाएगा, और आगे जो जो इसमें सुधार होंगे वो लगातार साल दर साल होते रहेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से सरकार ये नहीं चाहेगी कि यार कोई एक एस्पायरेंट है उसका पूरा करियर तबाह हो जाए। ठीक है, तो ये जो चिंता आप कर रहे हो ये मत करो, पूरा का पूरा आपका ध्यान रखा जाएगा अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, क्योंकि कोई बंदा SSC में अप्लाई करता है, कोई बैंक में करता है, अलग तरीके की तैयारी होती है, सिलेबस सबका अलग अलग होता है, बैंक का सिलेबस अलग है, SSC और आपका अलग है, तो आपको जो तैयारी करनी है वो किस तरीके से इस एग्ज़ाम की करनी है इसका एक कंप्रेहेंसिव सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जब ये सारी चीज़ों को प्लान सेटअप कर लेगी तो ये आपको अपकमिंग डेज में बताएगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं 2020 में ऐसा कुछ भी हमें देखने को जैसा कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देख लो RRBs के एग्जाम्स हैं,
पीओ क्लर्क सबकी, एसओ वगैरह सबकी डेट आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें चिंता करने की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस बिंदास इन एग्ज़ाम की तैयारी करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रैक्टिस मॉक के फ्री मॉक टेस्ट को एटलीस्ट एक बार जरूर बनाएं, लाइक आरबीआई का एग्ज़ाम हो गया, आपका बैंक पीओ हो गया, तो सब एग्ज़ाम के लिए एक एक मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलता है, तो वो फ्री मॉक टेस्ट दें। और इनके बहुत सारे कॉन्टेंट फ्री है, उनको भी आप यूज़ करें और मॉक टेस्ट को लें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर पाए। तो हम लोग फिर मिलेंगे, और टेलीग्राम पर जो चैनल है कैफ का, तो उस पर आप जुड़ जाना, ताकि आपको इस तरीके के और भी अपडेट मिले। और टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो विद इन 6 मंथ में आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप इसको इतना लंबा मत खींचो कि यार तैयारी करते करते जाएंगे और तब जाकर सिलेक्शन होगा, 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। विद इन 6 मंथ आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, बशर्ते आपको उतनी तगड़ी और बिल्कुल अपनी पूरी जोर से मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो बिंदास तैयारी करो और टेंशन मत लो, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आगे शेयर भी करो और लोगों को प्रोत्साहित करो कि यार निराश मत हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब सरकार ने अभी प्रस्ताव दिया है तो आने वाले दिनों में इसका इंप्लीमेंटेशन होगा जरूर, लेकिन कब होगा अभी ऐसी कोई जो है बनक किसी को नहीं लगी है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।